जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी अमृत वेला क्या है, कैसे करते हैं, किस टाइम करते हैं और क्या सभी को अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेला करते हुए नींद क्यों आती है। ये सब क्वेश्चंस एक संगत जी ने कमेंट्स में पूछे थे, इसलिए आज मैं आपको अमृत वेला के बारे में बताऊंगी। अमृत वेला एक पंजाबी वर्ड है, वैसे ये एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो दो नाम है इसके। अमृत वेला सब कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बट जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो सबको नहीं कहते थे कि अमृत वेला करो, लेकिन अमृत वेला करने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि अमृत वेला में उठकर नाम जपने से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी सबको बोलते थे कि अमृत वेला करो, गुरुजी जानते थे किसको किस तरह ब्लेस करना है, तो वो कुछ संगत को ही कहते थे अमृत वेला करने के लिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। अब अगर आप जबरदस्ती उठ रहे हो या उठने का मन नहीं है, तब भी आप जबरदस्ती अमृत वेला करने के लिए सोच रहे हो तो मत करो, करो तो दिल से, नहीं तो नहीं करो। ऐसे अमृत वेला करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। बात करते हैं अमृत वेला के टाइमिंग्स की। अमृत वेला के टाइमिंग्स हैं सुबह 4 AM। आप चाहे आधा घंटा करो, एक घंटा करो या 2 घंटे करो, ये सब आपके ऊपर है। अमृत वेला के टाइम तो लोग सत्संग भी करते हैं। किसी किसी को तो गुरुजी अमृत वेला खुद बख्शते हैं। सुबह उठो, नहा धोकर शब्द गुरबानी सुनो, गुरुजी का नाम जपो। ये बात सच है कि अमृत वेला के टाइम जो मांगो वो बात सच होती है, क्योंकि वो गुरुओं का टाइम होता है। अमृत वेला बेसिकली गुरुओं का और भगवानों का टाइम होता है। अगर आप कंटिन्यू अमृत वेला कर रहे हो तो मतलब गुरुजी ने आपको अमृत वेला बख्शी है। गुरुजी टेलीपैथी या मैसेज के थ्रू या किसी संगत के थ्रू बताते हैं कि अमृत वेला शुरू कर। जब आपके पास मैसेज पहुंचेगा तो आप खुद समझ जाओगे कि गुरुजी ने आपको बताया था। अमृत वेला हर कोई कर सकता है। अमृत वेला करने के लिए उठने का टाइम 4 AM का है, मतलब जब अंधेरा ख़त्म होता है, रोशनी उठनी शुरू होती है, सूरज उगना शुरू होता है, वो अमृत वेला का टाइम होता है। अब अमृत वेला करना कैसे है इस पर बात करते हैं। सुबह उठकर आपको फ्रेश होना है, नहाना है। सबसे बड़ी बात, आपका दिल साफ होना चाहिए। अगर आपकी इनर सोल गंदी है और आप नहा लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आप गुरुजी के आगे दिया जलाओ, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करो, गुरबानी सुनो। अमृत वेला करने में बहुत मज़ा आता है, ट्राई करके देखो। अमृत वेला सत्संग करो। अब अमृत वेला करते समय नींद क्यों आती है और क्या हम अमृत वेला के बाद सो सकते हैं, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ। अगर आपको अमृत वेला करते हुए नींद आती है तो ये टेम्पररी है, क्योंकि जब हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हैं तो नींद आना नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती। सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। आप अमृत वेला करने के बाद एकदम से मत सो। अगर आपको अमृत वेला करना है तो रात में जल्दी सो जाओ, क्योंकि बॉडी को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही होती है, तो आप आराम से अमृत वेला कर पाओगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।